Hi guys, welcome to NCACET 2023 preparation video. 45 days exactly remaining for the examination, और जो exam की date है वो है आपकी 25th and 26th of March. Although it is tentative, but आप ये date पकड़ के चलो. This is the final date for your examination. अगर date extend हुई तो वो होगा आपके लिए bonus days. ठीक है. So complete preparation part I'll be discussing this video. ये video थोड़ा सा लंबा भी होगा, so do watch this video very carefully if you really want to end up with the top MCA colleges. जितने लोग target कर रहे हैं 130 plus का score या तो फिर 99.99% ये video के बाद score बनेगा आपका, ठीक है. Because मैं complete time table देने वाला हूँ, day wise, week wise पूरी planning देने वाला हूँ, ठीक है. But हाँ, make sure आपके पास at least 5 to 6 hours पढ़ाई के लिए हो daily basis पे, ठीक है. Minimum 4 घंटे तो लगेंगे, 4 से 5 घंटे तो चाहिए, ठीक है. एंड ये वीकडे वाला पार्ट हो गया, और वीकेंड में अपने को एटलीस्ट 6 to 8 hours का टाइम चाहिए, सैटरडे संडे, ठीक है. तो अपने लिए जो एग्जाम की डेट है वो है 15th of March. आई रिपीट, 25-26 को अपना एग्जाम ही है. अपना एग्जाम कभी है 15 मार्च को, ये डेट लेके चलो. जब भी आप ये डेट लेके चलोगे तब जाके आप 20 तक काफ़ी डिसेंट लेवल पर पढ़ाई कर लोगे. तो डेट थोड़ा सा प्रीपोन करते हैं अपने साइड से, माइंड में लेके चलो कि अपनी डेट 25-26 की नहीं है, अपनी डेट है 15 तारीख की. तो आज है 9th of Feb, आई एम मेकिंग दिस वीडियो. तो आपके पास 1 महीने से ज़्यादा है ना, 1 महीने से रफली आपके पास 40 डेज का, 35 to 40 डेज का टाइम है. तो ये टाइमलाइन के हिसाब से अपन पढ़ाई करते हैं, और इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन, अपना टारगेट सेट कर सकते हो पढ़ाई को लेकर, और ये अपने को करना पड़ेगा, ठीक है. तो अगर हम 15 तारीख तक सिलेबस पूरा करके ख़त्म करते हैं तो हम करेंगे क्या, जो हमारा मॉक पे तो हम काम करेंगे. नंबर वन, जो टॉपिक हमारा वीक था अब उस पर टाइम देने का टाइम आ गया है, ठीक है. तो 15 तारीख के बाद हम उस पर काम करेंगे, और जो टॉपिक आपने किया था, पार्शली किया था, मतलब कि कम टाइम दिया था, वो कर लिया. उसके बाद जो टॉपिक आपको लग रहा है हाँ यहाँ मेरा कमांड अच्छा है, यहाँ पे मैं अच्छा पोड़ सकता हूँ, उसको क्विक रिविजन कर लिया. तो उससे क्या होगा, पूरा सिलेबस आपने वापस से एक टाइम निकाल के फटाफट रिवाइज कर लिया, आपने अपने वीकनेस पे काम कर लिया, अपने स्ट्रेंथ पे काम कर लिया, अपने टेस्ट लिख लिया. तो ये काम करेंगे अपन, ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट द मोटिवेशन. जितने लोग की बैटरी डाउन है, दो जो आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, डू वॉच ऑल द टॉपर्स पॉडकास्ट. 2021-22 में भी हमने पॉडकास्ट किए थे. यूट्यूब पे सिर्फ टाइप करो एमसीएसईटी टॉपर पॉडकास्ट बाई मैन्यूअल एजुकेशन, यू विल गेट ऑल द टॉपर्स पॉडकास्ट वीडियो. डू वॉच दैट पॉडकास्ट. एक एक पॉडकास्ट अगर डेली बेसिस पे सुनोगे, मतलब आपकी पढ़ाई चालू करने से पहले एक पॉडकास्ट सुबह सुबह सुन लो, ठीक है ना. मोटिवेशन पूरे दिन का मोटिवेशन बना रहेगा. एंड आई वॉन्ट कि जब तक एग्जाम है आपका मोटिवेशन बना रहे, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ठीक है. दूसरा, विद रिगार्ड्स टू दी प्रिपरेशन, तो लास्ट बैच अभी हमारी लॉन्च हुई है सारे सेंटर्स पे. अगर आप मुंबई बेस हो, दादर, बोरेली, वसई विजिट कर लो फॉर द क्लासरूम कोचिंग. इसके बाद कोई बैच नहीं आएगी एमसीएसईटी को लेकर. दिस इज द लास्ट बैच फॉर द ईयर 2023, ठीक है. एंड ऑनलाइन को लेकर भी यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, ओके. तो अभी 40-45 days बचा हुआ है, तो इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते. और जितना टाइम बचा हुआ है आपके पास, दैट इज सफिशेंट टाइम. अगर आपने प्रॉपर टाइम टेबल जो मैं आगे बताऊंगा वो फॉलो किया तो आप फोर दोगे एग्जाम में, ठीक है. तो 23 को लेके लास्ट बैच है, 24 की बैचेस वी हैव लॉन्च एट आर ऑल द सेंटर्स एंड ऑनलाइन भी. तो एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वॉन्ट टू स्टार्ट एनसीएसईटी 2024 प्रिपरेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर, ओके. ये आपका कंप्लीट प्रिपरेशन करिकुलम होगा, ठीक है. सो एजेंडा क्लियर है, अपने को टॉप एमसीए कॉलेज के बारे में सोचना है, VGTI के बारे में सोचना है, SPIT के बारे में सोचना है, SPPU पुणे अगर आप देख रहे हो तो, विवेकानंद के बारे में सोचना है, या तो SIS, जो भी आप टॉप 4 टॉप 5 एमसीए कॉलेज टारगेट कर रहे हो. स्कोर अगर आपका आता है तो आपको सारे कॉलेज से एडमिशन के लिए कॉल आएगा, ठीक है. अपने दिमाग में ये चीज़ ऐड कर दो कि मेरा अच्छा स्कोर आएगा, मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरा अच्छा परसेंटाइल आएगा, आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ, ठीक है. जो कि पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट. बट ये माइंड में सेट कर दो. जब आपको माइंड को ये पता होगा ना कि हाँ रिवॉर्ड मिलने वाला है, बाय डिफॉल्ट अपन मेहनत करना चालू करेंगे. इन एडिशन टू दिस, आफ्टर एवरी टॉपिक विच यू हैव डन, एक टॉपिक अपना हो गया, टेस्ट लिखा, रिवॉर्ड योरसेल्फ. 1 रुपए की चॉकलेट चलेगा, शक्कर खा के पानी पी लो, आई एम ओके विद इट. बट रिवॉर्ड फॉर एवरी सक्सेस, वेदर इट इज स्मॉल और बिग, बिकॉज ऑल दिस थिंग विल बूस्ट यू फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन अप टिल द एग्जामिनेशन. सो थोड़ा सा सुनने में गिमिकरी लगेगा, बट ये करो, बहुत काम करता है, ठीक है. आपके आपके माइंड को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, सो दैट अपना जो पूरा फोकस है वो प्रिपरेशन पर हो पाए. फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, OTT प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज देख रहे हो वो खत्म करो, सोशल मीडिया खत्म करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा टाइम ब्रेक दे दो. ब्रेक कब मत करो, ब्रेक दे दो, ठीक है. थोड़ा सा एग्जाम के बाद मिलेंगे. फैमिली से थोड़ा सा टाइम ले लो कि हाँ अभी एग्जाम की पढ़ाई करनी. ये सब चीज़ें अपने को करनी पड़ेगी, बिकॉज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है. 40 से 45,000 का कॉम्पिटिशन है. अगर हम टॉप 4 टॉप 5 या टॉप 2 टॉप 3 में देख रहे हैं एडमिशन,
तो फिर इस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अपना एजेंडा क्लियर है, अपने को 130 प्लस का स्कोर लेके आना है, या तो फिर सीटी में टॉप मारेंगे, अपना एटीट्यूड है ना ये लेके चलो। या तो मैं 130 प्लस का स्कोर लेके आऊंगा या तो मैं टॉप मारूंगा। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, आपने ऑनलाइन मेनुअल का लाइव क्लास ज्वाइन किया होगा अगर, ठीक है, तो आपके लिए सारे करिकुलम, ऑल द वीडियो लेक्चर्स, मॉक हैंडआउट, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। आपके लिए जो स्कोर टारगेट है वो 140 से 145 का है, ठीक है, आउट ऑफ 200। तो AMS हो तो भाई आपको तो एक तो कैटेगरी में भी कुछ फायदा नहीं है, और सीट्स भी आपके लिए कम है, तो आपको फोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे की जो प्रिपरेशन है वो NCCET का जो फुल कोर्स वाला प्रोग्राम, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट्स, मॉक है, उसको लेके मैं बताने वाला हूँ। उसमें से सारे वीडियोस आपको देखने हैं, मॉक देखने हैं, और हैंडआउट्स प्रैक्टिस करने हैं, या तो फिर आपके पास ई बुक या बुक से प्रैक्टिस करनी है। बुक ऑर्डर कर लोगे तो विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे कुरियर हो जाएगी। महाराष्ट्र में अगर आपको तो जल्दी हो जाएगी, अगर आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे आ जाएगी बुक। बाकी अगर आपका पढ़ाई करके हो गया है तो टेस्ट लिखो एंड सी व्हाट इज योर स्कोर कमिंग अप, कितनी कितने लेवल पर अपनी पढ़ाई हुई है। और अगर आपका कोई सेक्शन वीक है मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश, तो आप सेक्शनल प्रोग्राम चेकआउट कर सकते हो, और बुक तो आप ऑर्डर कर ही सकते हो, ठीक है। सब चीज़ आपको menudue.com/NCEntrance में मिलेगी। बट अगर आपने बैच ज्वाइन किया है क्लासरूम लाइव को लेके, तो सो यू डोंट हैव टू बाई एनीथिंग सेपरेटली, सब चीज़ आपको कॉम्प्लीमेंट्री है बैच, अगर आपने बैच ज्वाइन किया हुआ है तो। बट इन केस यू वॉन्ट टू ज्वाइन ऑल दिस प्रोग्राम, तो लिंक डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट। कुछ डाउट क्वेरी है तो आपको यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टू डू ऑन डेली बेसिस, डे वाइज प्लान क्या होगा। ये वीडियो अगेन आई रिपीट, ये वीडियो सब लोग को शेयर कर दो, जितने लोग NCCET का एग्जाम लिखने वाले हैं, या अभी जस्ट स्टार्ट किया है पढ़ाई, या कर लिया है उन्होंने पढ़ाई, प्रिपरेशन कर ली है, सबके लिए बेनिफिशियल है। सो ये वीडियो के बाद आई वॉन्ट कि सबका स्कोर बढ़ना चाहिए, सबके प्रिपरेशन में भी, और आप सबके प्रिपरेशन में भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए अगर आपने ऐसा फॉलो किया तो। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीडिंग, आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज खाली रीड करना चालू करो, एक RC डेली बेसिस पे सॉल्व करना चालू करो। आपके मैनुअल के बुक में RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्लस आपके लॉग इन करोगे डैशबोर्ड पे, वहाँ पे 500 क्वेश्चन का RC का हैंडआउट है। तो आई सजेस्ट 1 से 2 RC सॉल्व करो, मिनिमम 5, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आपके RC से बनेंगे। बेसिक ऑफ मैथ्स, जितने लोग क्रिबल कर रहे हो मैथ्स को लेके, देखो मैथ्स को लेके क्रिबल नहीं करना, पहली बात तो क्या है कि पूरा क्वेश्चन आप वैसे भी अटेंड नहीं कर पाओगे, 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स का टाइम है, CET में भागना है, तो कुछ क्वेश्चन तो आपके छूटेंगे। ऑल देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो अपने को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, बट एक्यूरेसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो अपने को पढ़ना सब कुछ है, बट उस टॉपिक हम लास्ट के लिए रखेंगे, ठीक है। सो मैथ्स अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप लॉजिक, इंग्लिश एंड कंप्यूटर में फॉलो, और मैथ्स को मैनेज करो। बट अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो उसको भी फॉलो, और बाकी दो सेक्शन में और बाकी के एरिया में भी बेटर परफॉर्म करो। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स एंड फॉर लॉजिक बोथ, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस लगेगी, पेन घसना पड़ेगा, ठीक है। एंड डू राइट टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक विदाउट फेल, हर दिन आपको टॉपिक टेस्ट लिखना है, बिकॉज डेली बेसिस पे आपके टॉपिक कवर होंगे, प्रिपेयर होंगे, आपको टेस्ट लिखना है। और फुल लेंथ अभी के लिए मैं वीक में एक मॉक एडवाइस करूंगा, बट हाँ एग्जाम आने तक अपने को 10 मॉक जो आपके पोर्टल पे, मेनुअल के डैशबोर्ड पे, वो पूरे खत्म कर लेने हैं विदाउट फेल। दिस इज द डे वाइज प्लानिंग, तो आपके डे को डिफाइन करो, मैं मॉर्निंग में क्या करूंगा, आफ्टरनून में क्या करूंगा, इवनिंग में क्या पढ़ूंगा, ठीक है। सो आपको टाइम तो देना पड़ेगा प्रिपरेशन को लेकर, अगर आपको लग रहा है मैं 1-2 घंटे का टाइम देकर सीटी निकाल लूंगा भाई, तो ये वीडियो बंद कर दो, दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक है। आई वॉन्ट मिनिमम 4 to 5 आवर्स अगर आपको अच्छा स्कोर लेके आना है सीटी के एग्जाम में। ओके, सो ये आपका फर्स्ट वीक का प्लानर है। सारे वीडियो लेक्चर मैनुअल के डैशबोर्ड से आपको देखने हैं, अगर आपके पास कोई वीडियो लेक्चर दूसरे एक्सेस कोई है तो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, स्पीड मैथ्स पहले दिन काम करेंगे 2 टॉपिक पे, और रिविजन डेली रहेगा, और टॉपिक टेस्ट डेली रहेगा। अल्फाबेट टेस्ट, परसेंटेज, मैंने टाइम भी दे दिया आपको, ये टाइम ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से कर सकते हो, ये मैंने रफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, नाउन, प्रोनाउन, फिर इंग्लिश, फिर से मैथ्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इंग्लिश, देन कंप्यूटर प्रैक्टिस, ऑल द क्वेश्चन जो भी कुछ आपके बच गए हैं या प्रैक्टिस नहीं किया है, रेशो, प्रपोर्शन, मॉक, फुल लेंथ मॉक एरिए आपका, और रिविजन, टॉपिक टेस्ट, ये आपका फर्स्ट वीक का काम है। तो आप डेली बेसिस पे 2-2 टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, और रिवाइज कर रहे हैं, और प्रैक्टिस कर रहे हैं, टॉपिक टेस्ट भी लिखा है, तो ये काम पूरा अपने को करना है, वीडियो देखना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लिखना है, रिवाइज करना है। आई होप दिस इज क्लियर। इन सब के लिए आपके पास वीडियो लेक्चर का एक्सेस, मॉक, एक तो टॉपिक टेस्ट, बुक्स, ई बुक्स, और फुल लेंथ मॉक, ये सब होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद वीक 2 में आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, SICI, ब्लड रिलेशन लॉजिक से कंजंक्शन एंड आर्टिकल,
रैंकिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इनपुट आउटपुट, इंग्लिश फिर से, टाइम एंड वर्क, स्टैटिस्टिक्स, एडवांस मैथ्स एंड देन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चन, रिविजन एंड टॉपिक टेस्ट। तो एडवांस मैथ्स भी हम करेंगे कुछ कुछ टॉपिक, और बाकी आपके एप्टीट्यूड वाले जो मैथ्स है जैसे अरिथमेटिक हो गया आपका, नंबर सिस्टम हो गया आपका, ज्योमेट्री हो गया, मेंस्ट्रुएशन, ये भी खत्म करना है अपने को, ठीक है। सो सारे वीडियोस आपके मैनुअल के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको मैनुअल का जो फुल कोर्स का प्रोग्राम है, आई विल गाइड यू फर्दर, उसमें सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपने बैच ज्वाइन किया है तो सब कुछ का एक्सेस आपके पास ऑलरेडी है। तो अगर आप मैनुअल स्टूडेंट हो वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपको सारे जो एक्सेस मिले हैं आप ये टाइम टेबल फॉलो करके भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज वीक 3, प्री वर्क में ऑल दिस टॉपिक, वीडियो लेक्चर फ्रॉम योर डैशबोर्ड, ओके। देन कंप्यूटर, टॉपिक 3 कंप्यूटर, इंग्लिश में आपके जो मैनुअल की बुक है उसका इंग्लिश के जितने भी वोकैब दिया हुआ है वो थ्रू करके खत्म करो, ठीक है। रिविजन, आई वुड सजेस्ट कि इंग्लिश को आप 2 वीक में खत्म कर सकते हो, पूरे वीडियो देख डालो और मैनुअल की बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए उसको सॉल्व कर डालो, ठीक है। तो ये सब करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज पहले होना चाहिए। अगर इफ यू डोंट हैव अ राइट रिसोर्सेज देन यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, वो नहीं करना अपने को। और फिर रिविजन और मॉक तो लिखना ही अपने को। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस टाइम टेबल एंड यू कैन फॉलो द सेम टाइम टेबल, ओके। नेक्स्ट इज वीक 4, ये सारे टॉपिक अपने को करने हैं, टॉपिक 1 देन टॉपिक 2, यहाँ पे आपका अलजेब्रा भी आ गया, नंबर सिस्टम, सेट रिलेशन हो गया आपका, ठीक है, देन आपका कंप्यूटर, टॉपिक टेस्ट। तो कोशिश करना कि सारे वीडियो को 2 बार देख लो, 2 टाइम्स, प्लस सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मिनिमम 2 टाइम्स तो चाहिए, मैक्सिमम तो मैं 3 टाइम एडवाइस करता हूँ, बट 2 टाइम्स मिनिमम करके रखो, ठीक है। एंड वीक 5 में आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चीज़ें जो थोड़े एडवांस मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन हैंडआउट से करनी है और उसके बाद सीधा फुल लेंथ मॉक, ठीक है, टॉपिक टेस्ट और आपका फुल लेंथ मॉक पे काम करना है। सो ये कंप्लीट टाइम टेबल मैंने दिया हुआ है जो आपको फॉलो करना है रिगरसली अगर आपको एग्जाम सच में निकालना है तो। और प्रिपरेशन टाइमलाइन वाइज इफ यू टॉक अबाउट, मंडे टू फ्राइडे मुझे 5 से 6 घंटे, एज आई मेंशन 4-5 घंटे दे रहे हो तो भी ठीक है, बट अगर आप बहुत ही वीक हो हर सेक्शन में, कोई भी सेक्शन आपका अच्छा नहीं है, तो कोशिश करो इतना टाइम निकालो प्रैक्टिस के लिए, और 8 to 10 hours फॉर द ऑन सैटरडे संडे, 6 to 8 या तो फिर 8 to 10, 8 hours तो मिनिमम देना रहेगा, ठीक है। और राइट नाउ लेट मी टेक यू टू द मैनुअल पोर्टल एंड गाइड हाउ कैन यू जॉइन द फुल कोर्स प्रोग्राम। जस्ट लॉग ऑन टू manualu.com ऑफिशियल वेबसाइट, बाय ऑनलाइन, गो टू द MCA एंट्रेंस, यहाँ पे MCA एंट्रेंस दिख रहा है, फुल कोर्स में जाओ एंड या दिस इज व्हाट द प्रोग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसके अंदर आपके वीडियो लेक्चर्स, मॉक और हैंडआउट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। इसके साथ साथ आपको टॉपिक टेस्ट अलग से लेना पड़ेगा एंड ई बुक्स बुक्स, ठीक है। तो उसके लिए आप गो बैक एंड या यहाँ से बुक ऑर्डर करोगे तो विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे बुक क्लियर हो जाएगी। एडवांस में इसके हैंडआउट्स के लिए यू कैन ऑर्डर दिस एंड दिस, तो ये ले लो और ये बुक ले लो, ये दोनों सफिशेंट है आपके लिए, ठीक है। और टॉपिक टेस्ट के लिए गो टू द टॉपिक टेस्ट, या मॉक टेस्ट में जाओगे तो आपका एक टॉपिक टेस्ट और एक फुल लेंथ मॉक, फुल लेंथ मॉक मिलेगा अगर आपको फुल कोर्स प्रोग्राम ज्वाइन किया है, उसके अंदर ऑलरेडी मॉक है, ठीक है। लाइकवाइज इफ यू गो बैक, कोई सेक्शन अगर आपका वीक है तो आप मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश को लेकर सेक्शन प्रोग्राम भी चेक कर सकते हो। इन सब का डायरेक्टली मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट। बट अगर आपने लाइव क्लास क्लासरूम बैच ज्वाइन किया हुआ है तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, प्लस लाइव लेक्चर में यू विल बी इंटरेक्टिंग विद द फैकल्टी एंड लर्निंग दिस शॉर्टकट ट्रिक्स, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन, हाउ टू मैनेज टाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो मैं एडवाइस करूंगा सेंटर विजिट कर लो फॉर द क्लासरूम कोचिंग के लिए, जहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन मिलेगा, और अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो तो लाइव क्लास के लिए, बिकॉज ये सब चीज़ें तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री है जो मिलने वाली है मॉक वगैरह। बट इफ यू वॉन्ट टू डू सेल्फ प्रिपरेशन देन डेफिनेटली यू कैन चेक आउट दी प्रोग्राम एंड जो मैंने टाइम लाइन दिया, जो मैंने टाइम टेबल दिया, आप उसको फॉलो करो। वेरी इंपॉर्टेंट मैनुअल MCA एंट्रेंस अलग से चैनल है, जहाँ पे आपको MCA स्पेसिफिक वीडियोज मिलेंगे। सो डू सब्सक्राइब दैट चैनल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैनुअल MCA एंट्रेंस अलग से यूट्यूब चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे आपको 24 के सारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आने वाले हैं, जो कि मैनुअल एजुकेशन के चैनल पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब कर लो एंड सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो, जहाँ पे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ मिलेगा आपको। सो आई होप दिस इज क्लियर सो फार। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर MCA CET 2023 प्रिपरेशन, थैंक यू।